गले में तकलीफ है, वो ऊंची आवाज में बोल नहीं पाएंगे। जितना आप लोग खामोश रहेंगे उतना ही आपको फायदा है, नहीं तो आप सुन नहीं पाएंगे और आपका वक्त जाया होगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से उमर साहब का, अपनी जमात के सारे लीडरान का, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों का, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का, माँ बहनों का, बुजुर्गों का, जवानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया है और हम लोगों को पार्लियामेंट के लिए तैयार किया है। ये पार्लियामेंट आसान नहीं होता, इसमें हमारे मुद्दे बहुत ज़बरदस्त हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि इनकी नीयत जो है 370 और 35A को ख़त्म करने की, हमें उसके बारे में भी इनसे लड़ना है। उसके साथ साथ जो इनका मुद्दा रहा है कि वतन में मुसलमानों और हिंदुओं को अलग करने का, हमें उसके खिलाफ भी लड़ना है। ये वतन सबका है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख ईसाई जितने भी रहने वाले हैं उनका ये वतन है, और हमने इस वतन मजबूती से उसी सेक्युलर पाथ पे रखना है जो हमारा हिंदुस्तान का आईन कहता है, और हमने हर कोशिश करनी है कि हिंदुस्तान का आईन जो अम्बेडकर जी ने बनाया है उसकी हिफाजत की जाए और मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि नई हुकूमत जो दिल्ली में आएगी वो जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करेगी, बातचीत करेगी पाकिस्तान के साथ कि हम इस मुसीबत से निकल सकें। जो आप रोज़ देखते हैं बॉर्डर पे शेलिंग हो रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कोई जगह नहीं है जहाँ इनकाउंटर हो रहे हैं और बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं, पैलेट गन इस्तेमाल हो रही है, लोग उसके शिकार हो रहे हैं और जो अंधे भी हो गए हैं और कुछ उनके लिए सोचा नहीं गया है। इन चीज़ों को हमने देखना है, और भी मुद्दे आएंगे, अभी शुरुआत है। इंशाल्लाह मेरा आपके साथ और भी रब्ता रहेगा और हम लोग बार बार मिलेंगे और आपके सामने वो सब बातें रखेंगे जिनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वक्त लड़ रही है और आगे भी लड़ रही है। जी क्या कह रहे हैं आप? आपको चुना है, आपसे लोगों ने जो है आप पर तौका किया है, आपको जितवाया है संसद, आप जाएंगे, पहली प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? देखिए तो बड़ी प्रायोरिटी तो ये है कि हम पार्लियामेंट में जाएं, हाथ उठाएं। उसके बाद प्रायोरिटी ये रहेगी कि रियासत जम्मू कश्मीर को वो मुश्किलात से निकालने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। उसके साथ साथ सबसे अहम बात ये भी है कि अगर हमने यहाँ अमन लाना है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत के मेज पे आना पड़ेगा और इस मुद्दे को किसी ना किसी तरीके से इसका हल निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पूरी कंट्री में रिजल्ट आए हैं, क्या एक्सपेक्टेड था ये कि एनडीए इतना आगे जाएगा और यूपी खराब हो गया? देखिए जो हुआ सो हुआ, अब इसके बारे में फारूक कुछ नहीं कह सकता। जब हमने लड़ा, कोशिश ये की गई कि बीजेपी और एनडीए का कोई मुतबादल तैयार किया जाए और मुल्क के सामने रखा जाए, मुल्क ने उसको कबूल नहीं किया। हकीकत ये है कि जहाँ जहाँ से हम उम्मीद कर रहे थे कि ऑपोजिशन को कामयाबी मिलेगी, वहाँ सीट की तादाद बढ़ाने के बजाय हमारी सीटों की तादाद कम हो चुकी है। अब इसमें हमने अपनी रोल तो निभा लिया, हमने 3 सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए, 3 की 3 पे उम्मीद की जा रही है कि हमारी कामयाबी होगी।
चौथी सीट पे भी हमने कोशिश की थी लेकिन कांग्रेस ने ही वहां बीजेपी को शायद कामयाबी दिलाने में मदद की है। अब बाकी रियासतों में ये हाल क्यों बना, बाकी रियासतों में अपोजिशन को ये नाकामयाबी क्यों मिली, इसके लिए हमें एनालिसिस करनी होगी। लेकिन आज का जो है मोदी साहब की कामयाबी का दिन है, मुझे लगता है ये गलत होगा अगर हम यहाँ से उनको मुबारकबादी का पैगाम ना दें। जो जीता वही सिकंदर, मोदी साहब जीते हैं, हमारे तरफ से उनको मुबारकबादी का पैगाम, लेकिन उस पैगाम के साथ उनसे गुजारिश भी कि पिछले 5 साल उन्होंने जो किया सो किया, अब इन 5 सालों में उनको किसी तब्दीली लानी होगी अपने काम करने के तरीके में, कोशिश की जानी चाहिए कि सबको लेके साथ चले। अब पहली बार जब जीते तो लोगों ने कहा शायद एक फ्लूक से जीते, लेकिन दूसरी बार जीते तो ये कोई फ्लूक नहीं है, मुल्क ने उनको दोबारा एक मौका दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुल के बीजेपी को वोट नहीं दिए, 3 सीटों पे अगर वो जीते तो 3 सीटों पे हारे, लेकिन उम्मीद है मरकज से कि आगे जाके इस रियासत के लिए वो कुछ बेहतर सोचेंगे। बातचीत का सिलसिला नए सिरे से शुरुआत होगी, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो। एक छोटी शुरुआत हमने कल देखी जबकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एक साथ बैठ के बात कर रहे थे, ये एक अच्छी बात है। अगर इसी तरह इंटरनली कोई इकदाम उठाए जाए, जो सख्तियां पिछले कुछ महीने से की जा रही है इस रियासत के साथ, उन सख्तियों को थोड़ा कम किया जाए, जो बॉर्डर ट्रेड को रोका गया है उस बॉर्डर ट्रेड को नए सिरे से चालू किया जाए, उम्मीद की जा रही है कि कुछ कदम ऐसे उठाए जाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो राहत की एक सांस ले पाएंगे। आपने खुद भी जिक्र किया लद्दाख का, वहाँ के कांग्रेस की भूमिका का, समझते हैं कि सबसे ज्यादा ऑनेस्ट को कांग्रेस पर ही है, क्योंकि आप अगर अभी अभी लद्दाख के नतीजे आए नहीं है, लेकिन हकीकत ये है अगर कांग्रेस ने वहाँ साजिश नहीं की होती तो बीजेपी वहाँ से कामयाब नहीं होती। कांग्रेस ने 2-2 कैंडिडेट खड़े करके करगिल के लोगों के साथ बिलखसूस नाइंसाफी की, धोखा किया, और मैं उम्मीद करता हूँ करगिल के लोग जो हैं उनसे जवाब इस चीज के लिए हासिल करेंगे। यही सवाल से पूरी करने के लिए पूछ रहा हूँ कि आप समझते हैं कि ज्यादा ऑनर्स कांग्रेस पे है चाहे महागठबंधन हो वहाँ पे। अब आज एनालिसिस करने का मौका नहीं है, ये एनालिसिस तो कांग्रेस को करना होगा। आज जैसे मैंने कहा हम अपनी रियासत के बारे में सोच रहे हैं, हम गांधी के लोगों के शुक्रगुजार हैं जिस तरह उन्होंने जितना भी कम ज्यादा लेकिन इलेक्शन में हिस्सा लिया, हम उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी ये कोशिश और उनकी ये मेहनत ये हम जाया नहीं होने देंगे। पूरे जोर और शोर से हम इस रियासत और इस रियासत मुद्दों की वहाँ पे तर्जुमानी करेंगे, रियासत की खसूसी पोजीशन जो है हम रखवाली करेंगे, और जो भी इश्यूज हमारे सामने आएंगे उनको हम सही तरीके से पार्लियामेंट में पेश करेंगे। जहाँ तक बाकी मुल्क का हाल है, वो जो बाकी मुल्क के बड़े लीडर हैं वो जाने और उनका काम जाने। उमर साहब, आपने 2014 में कहा था कि हमें 2014 को भूलकर 2019 के बारे में, नहीं ये शायद मैंने 2017 में कहा था, लेकिन इलेक्शन को तो हार के अफसोस की बात यह है कि मेरी बात सही साबित हुई। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बात सही साबित हो, मैं चाहता था कि उस वक्त जो खतरे की घंटी मुझे सुनाई दे रही थी उस खतरे की घंटी को बाकी भी सुने और उस घंटी को सुनने के बाद वो कुछ करें, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि मैं अकेले में ही शोर कर रहा था। तो वो कहते हैं ना कि अकेले आप सिर्फ चुटकी बजा सकते हो, ताली बजा नहीं सकते हो, आज हम लोग ताली बजा रहे हैं लेकिन बाकी शायद ताली बजाने के लायक नहीं आज। तो कहां पर आपको ये कमी दिख रही है कि मैंने कहा ना एनालिसिस बाद में, अब 5 साल है हमें एनालिसिस करने के लिए, अब 5 साल तो कुछ नहीं बदलेगा, अब 5 साल मोदी साहब इस मुल्क को चलाएंगे, और जैसे मैंने कहा, जैसे फारूक साहब ने कहा, उम्मीद करते हैं कि मोदी साहब सबको लेके चलेंगे, क्योंकि ये मुल्क सबका है। ये जिस तरह जम्मू कश्मीर की रियासत को हिंदुस्तान का छोटा समझा जाता है, जहाँ पे हम सबको लेके चलते हैं, हम कहते हैं जनाब कि हमारा विरासत में हमें ये नारा मिला है हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध इत्तेहाद, अगर जम्मू कश्मीर में हम इस नारे को बुलंद रखते हैं, मुझे लगता है कि हमारे हुकुमरान जो है उनका फर्ज बनता है कि इस नारे वो बाकी मुल्क में भी इसको बुलंद रखें। सर, डू यू फील दैट फारूक एंड पुलवामा प्लेड अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनालिसिस? अब आई डोंट, हु कैन से व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ बालाकोट हैड नॉट हैपेंड। ये भी सही है कि बालाकोट के बाद काफी हद तक ऑपोजिशन की फूक निकल गई थी,
بہت سے ایشوز آئے تھے جناب, بہت سے ایشوز. ہم بہت چیزوں پہ چرچا کر سکتے ہیں, کیا چوکی دار ہے صحیح نعرہ تھا یا نہیں تھا, کیا رافیل پہ فوکس کرنا صحیح تھا یا نہیں تھا, کیا ہم نے رورل ڈسٹریس, بے روزگاری, اکنامک سلو ڈاؤن, ان سب چیزوں کو صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا یا نہیں کیا, کیا بالا کوٹ پہ سوال اٹھانے کے بجائے ہمیں پلوامہ پہ سوال نہیں اٹھانے چاہیے تھے. بہت سی چیزیں ہیں جن پہ ہم انالیسس کر سکتے ہیں. لیکن اب وہ انگریزی میں کہاوت ہے, واٹس دا ہارس ہیز بولٹڈ, واٹس دا پوائنٹ آف کلوزنگ دا اسٹیبل ڈور. اب گھوڑا بھاگ گیا نا, اب استبل کا دروازہ ہم بند کریں تو کیا فائدہ, بھاگ گیا گھوڑا, چلا گیا. اب پانچ سال کے بعد اگر گھوڑا ہاتھ لگے تو, نہیں لگا تو آگے چلے جائے گی. آنے والے الیکشن میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کی جیت کا اثر یہاں پہ 35 سے اور 370 پڑے گا؟ کیونکہ ہم وہ ہے اور پہلے بھی رہا ہے. بی جے پی کا کون سا ایسا مینیفیسٹو ہے جس میں انہوں نے 370 کا ذکر نہیں کیا ہے؟ لیکن اس خطرے کو ہمیں معمولی خطرہ نہیں سمجھنا چاہیے. ہم جتنا بھی ہم میں طاقت ہے ہم ضرور اس طاقت کا استعمال کریں گے 370 اور 35A کو بچانے کے لیے. اور بار بار ہم نے کیمپین کے دوران کہا بھی یہی, ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ میں بھی اس طرح, اسی لیے سب سے سینئر اور سب سے مطلب مانے لیڈر اس ریاست کے سری نگر سے ایک, چلیے آپ کبھی کبھار اکبر لون صاحب غلط بات بھی کہہ جاتے ہیں لیکن وہ بات کرنے میں مطلب پیچھے نہیں ہٹتے. تو ایسے لوگ پارلیمنٹ میں ہمیں چاہیے. اور پھر مسعودی صاحب ہیں جو قانون جانتے ہیں, وکالت جانتے ہیں, جنہوں نے 35A اور 370 کے بارے میں جو ججمنٹ پاس کی ہے وہ آج بھی لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس سے بہتر ٹیم 370 اور 35 بچانے کے لیے شاید ہی ہم پارلیمنٹ بھیج سکتے تھے. اب آنے والے پانچ سال میں ہماری کوشش رہے گی لوگوں کا جو ہمیں اعتماد حاصل ہوا ہے ہم اس اعتماد کے قابل اپنے آپ کو بار بار وہ پروف کرتے رہیں, اس کا ثبوت دیتے رہیں. اوکے, تھینک یو.